हेलो बच्चों, वेलकम टू आईमेट। आज मैं आप लोग के सामने फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो सिलेबस था हमारा सीयूईटी का, उसके बारे में। तो देखिए, जो सिलेबस है उसको हम आज से कवर करना शुरू करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब हम यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे। और आपको क्या करना है, केवल आपको इसको देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, चीज़ों को माइंड में रखना है और इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिए, पहला जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो देखिए, इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि देखिए क्या हमको पढ़ना है। जैसे जो बेसिकली जो हमारा जो पूरा सिलेबस है सीयूईटी का, वो उसमें जो मैक्सिमम चैप्टर है, जो मैक्सिमम यूनिट है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, चार्ट पे। मतलब देखिए, हमको पहले जो शुरुआत करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो करना है किससे, चार्ज से। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जब भी हम लोग किसी बच्चे से पूछते हैं तो मैक्सिमम बच्चे बस केवल यही बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये तो भाई टाइप्स ऑफ चार्ज है। तो चलिए बात करते हैं चार्ज की। तो देखिए, चार्ज सुनने में तो चार्ज जो है ये बस नॉर्मल एक चार्ज जैसा लग रहा है, मगर ये चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जो हम लोग पहले हम लोग क्या है कि जब हमारा चार्ज किस में होगा, रेस्ट में होगा। जब हमारा चार्ज रेस्ट में होगा तो जो हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हमारा क्या होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक व्हेन चार्ज इज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, जब वो मूव करने लगेगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये मूव करेगा तो क्या इफेक्ट आएगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी आएगा। एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, मैग्नेटिज्म को क्रिएट करेगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म को क्रिएट करेगा। तो देखिए, चार्ज हमारा जब रेस्ट में है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हमारा मैग्नेटिज्म भी आता है ना। अब जब यही चार्ज हमारा क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, यही चार्ज हमारा क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। जब ये एक्सेलरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएट हो जाता है। तो ये चार्ज, ये देखिए हमको क्या पढ़ना है, हमको इस चार्ज से ही रिलेटेड सारी स्टडी करनी होती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज क्या है, फिर उस चार्ज से रिलेटेड फील्ड है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, फिर पोटेंशियल है, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ से, इंटेंसिटी है, सब कुछ पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहले बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटसेट्रा, है ना। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटसेट्रा, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा वो किस पे होगा, हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे होता है। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। तो बात ये हो गई चार्ज की, हमारा चार्ज क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे दो तरह के चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड अदर इज, सेकेंड इज निगेटिव, ठीक है। जैसा कि हमको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करते हैं। तो देखिए, चार्ज के बारे में पढ़ना है, चार्ज से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने के, हम यहां से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे से सीक्वेंस में लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज क्या है, चार्ज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटसेट्रा, है ना। तो अब देखिए, चार्ज जब हमारा रेस्ट में था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, जब हमारा चार्ज कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट्स क्रिएट मैग्नेटिज्म आल्सो, ठीक है। देन आफ्टर दैट, जब चार्ज हमारा एक्सेलरेट करता है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एसोसिएटेड हो जाता है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा चार्ज से शुरू करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या बनते हैं, अभी क्वेश्चन जो बनेंगे आगे वो बनेंगे कि चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज है वहां से क्वेश्चन बना देंगे, या फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सम कूलम, या ऐसे कुछ भी बहुत सारी चीजें से पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, अभी हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग
हम लोग बात करेंगे ठीक है प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से अब हम लोग को समझना है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमको क्या करना है यहाँ पे इसको ठीक है उसको डिस्कस करेंगे। और देखिए प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन कैसे पूछ देता है कि मान लीजिए चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा इसमें प्रॉपर्टी है या नहीं है, विच इज कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो देखिए पॉसिबिलिटी बहुत तरीके से हो सकती है क्वेश्चन बनाने की, तो बट हम लोग हर पॉसिबिलिटी जब जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसके हिसाब से हम लोग आगे की प्रिपरेशन करेंगे और एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो ठीक है तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए सबको पता है कि देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज है ना, तो ये जो प्रॉपर्टी है पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, दिस इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये क्या कहता है कि अगर सपोज दैट किसी भी सरफेस पे बहुत सारे ठीक है बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे मान लिया प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3, जैसे प्लस भी चार्ज हो सकता है माइनस भी चार्ज हो सकता है, तो ऐसे लिख रहा है ठीक है, और प्लस माइनस Q4 है डॉट 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 प्लस माइनस Qn। जैसे कि सपोज दैट कि किसी सरफेस पे मल्टीपल चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है, तो जो इनका जब हमको इस सरफेस का नेट चार्ज फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना होगा, तो जो नेट चार्ज होगा Q नेट क्या होगा, ये जितने चार्जेस हैं इनका अल्जेब्रिक सम होगा ठीक है। दैट मींस कि जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और उसको हम लोग नॉर्मल सम से अल्जेब्रिक सम से ऐड कर सकते हैं। अल्जेब्रिक सम का कहने का ये अर्थ है कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, तो जिस साइन के साथ जो चार्ज है उसको हम लोग क्या करेंगे साइन के साथ उसको ऐड करते हैं। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस डॉट 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 Qn ठीक है। तो मतलब पहला हमारा क्या है कि जो चार्ज की प्रॉपर्टी हो क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब एडिटिविटी होता है इसका ऐड हम लोग कैसे कर सकते हैं नॉर्मल स्केलर सम कर सकते हैं, मतलब अल्जेब्रिक सम कर सकते हैं ठीक है। दूसरा देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी ठीक है देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए इसको समझना होगा कि जो चार्ज होता है जो किसी भी बॉडी से मिनिमम कितना चार्ज इमिट करेगा ठीक है, ये अगर सोचिए तो देखिए बात करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो चार्ज होता है ये देखिए q इक्वल टू प्लस माइनस एनी ठीक है, ये मतलब कि किसी भी अगर किसी भी बॉडी से कोई चार्ज इमिट कर रहा है या ठीक है तो हमेशा एक डिस्क्रीट अमाउंट में वो निकलेगा। जैसे ये एन जो हमारा है यहाँ पे क्या है ये इंटीजर्स है, एन क्या हमारा इंटीजर्स है और ये हमारा ई क्या है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ठीक है। मतलब क्या होगा कि हमारा जो चार्ज होगा एक इंटीजर मल्टीपल में निकलेगा ठीक है इमिट करेगा कहीं से भी,
और किसी बॉडी से, और जो q इक्वल टू प्लस माइनस क्या होगा n ही होगा। n हमारा क्या है, इंटीजर्स है, और ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि हमारा जो चार्ज होता है हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। तो q इक्वल टू प्लस माइनस n। अब देखिए ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, एक मिनट, ठीक है, देखिए ये जो फार्मूला है q इक्वल टू n। अब यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी, यहां पर हम लोग क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज दैट कि हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो q इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस है नहीं, तो अगर यहां पर हम लोग देखा जाए कि q की वैल्यू क्या है, 1 कूलम्ब है, ठीक है, और हमको क्या करना है, n फाइंड करना है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.25×10⁻¹⁸, दैट मींस कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना होता है, 6.25×10⁻¹⁸। अब देखिए जैसे यहां से क्या क्वेश्चन, अब जैसे देखिए ये क्वांटाइजेशन का रूल है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, यहां पे ये भी पूछ सकता है कि हाउ मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, तो इस तरह से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा था सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन का, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि जो हमारा चार्ज होता है, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज हमारा होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारी मेन जो प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, ये क्या हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, एडिटिविटी ऑफ, ठीक है, चार्ज हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, ठीक है, और एक होता है इनवेरियंस प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इनवेरियंस की। दैट मींस कि अगर हमारा कोई चार्ज, ठीक है, अगर हमारा कोई चार्ज रेस्ट में है, सॉरी, अगर हमारा कोई चार्ज, इनवेरियंस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ कोई चार्ज जो है वो हमारा रेस्ट में, मतलब चार्ज अगर स्टैटिक है और सेम चार्ज फिर किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे ये चार मेन प्रॉपर्टी हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक में, किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जैसे यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1 कूलम, ठीक है, चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से पूछ सकता है। जो चारों प्रॉपर्टी है ऐसे चार ऑप्शन देके गलत देके पूछ सकता है कि कौन इसमें से रॉन्ग है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब आगे बढ़ेंगे इसी तरह हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितनी पॉसिबिलिटी है उनकी हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग पहले, अब हम लोग थोड़ा यूनिट की बात करते हैं, चार्ज की यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम, ठीक है। चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। और इसका जो CGS यूनिट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है। और ये हम उसको, ठीक है, इससे, ठीक, तो मतलब जो हमारा SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम और CGS यूनिट हमारा जो होता है वो स्टेट कूलम होता है ना। तो देखिए यहाँ पे जो अब इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो ये रिलेशन कुछ इस तरह है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 3×10⁻¹ कूलम। देखिए ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब कि जितनी पॉसिबिलिटी होगी क्वेश्चन बनने की वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ यूनिट भी पूछा जा सकता है, यहाँ हमारा SI और CGS यूनिट का रिलेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक यूनिट होता है फैराडे, चार्ज का यूनिट होता है, बेसिकली ये केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है ना। जो इसकी वैल्यू होती है वो 9.6 समथिंग आगे होता है 10⁴ ऐसे करके ये होता है, ठीक है।
मतलब कि 1 फैराडे में जो कूलम होता है ये इतने कूलम होता है ना। तो मतलब देखिए यहाँ से हम लोग यूनिट से क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारा एसआई यूनिट क्या है चार्ज का, हमारा सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज का, हमारा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है, और हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो यूज होता है मोस्टली यूज होने वाला जो यूनिट है फैराडे, एक 1 फैराडे में कितने कूलम चार्ज होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक होता है हमारा स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज देखिए, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का, किसी भी चार्ज पार्टिकल का हो सकता है ना। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का वो होगा 9.1 × 10⁻³¹ केजी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो पर यूनिट मास, जो हमारा देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज है, हमको इलेक्ट्रॉन का फाइंड करना होगा, इसका स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1.6 × 10⁻¹⁹ को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 9.1 × 10⁻³¹। अब ये देखिए ऊपर जाएगा पॉजिटिव जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन ये होते हैं कि कोई ड्रॉप है उसमें हम कोई चार्ज को, ठीक है, उस पर कोई चार्ज हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके सरफेस पे, तो क्या इफेक्ट होगा। देखिए जब क्वेश्चन यहाँ पे जो बनेगा, अगर कोई भी ड्रॉप है या बबल है ना, तो उस पर जब भी हम क्या करेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। जैसे मान लिया कि सोप बबल है, उसको हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके सरफेस पे, तो वो क्या करेंगे, ये सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस जो बबल है ये इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई पॉजिटिव है, ठीक है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसमें इसके मास पे क्या इफेक्ट आएगा, है ना। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, है ना। तो इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ये बाहर गया इससे, यहाँ पे डिफिशियंसी हुई इलेक्ट्रॉन की, तो मतलब जो इसका जो मास है, इस बॉडी का जो मास है, ठीक है, वो स्लाइटली डिक्रीज करेगा, कितना, इतना। ठीक है, मतलब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकलेगा, या कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो जो उसका मास होगा वो स्लाइटली डिक्रीज करेगा 9.1 × 10⁻³¹ केजी। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जो बेसिक जो है हमारे चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या है, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, और कुछ क्वेश्चन चार्ज के हम लोग ऐसे देख रहे हैं। तो देखिए अभी क्या है कि हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, और आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कूलम्स लॉ है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कूलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। और अभी का क्या है कि अभी हमको ये सारी चीजें, ठीक है, अब इससे जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ से आ सकता है, जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बाद, ठीक है, ये आगे हम लोग जो प्रॉपर्टी सारे पढ़े थे, तो इस तरह से चार्ट से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की वो हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, और बाकी जो भी क्वेश्चन जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे वो क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसको पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्त परिचित रिलेटिव सभी से इसको शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे 10+2 में पढ़ रहे हैं या जो सीयूटी के लिए पढ़ रहे हैं वो सब हमारे इस वीडियो को देखें, और इससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीज़ें और अच्छी होंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।